अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे 3 इंग्रेडिएंट्स चॉकलेट केक। बहुत ही इजी सिंपल ये चॉकलेट केक इस लॉकडाउन के लिए ये रेसिपी है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बिस्किट से बनाया है केक, तो मैं इसमें टाइगर बिस्किट, हैप्पी हैप्पी बिस्किट और ओरियो बिस्किट, ये 3 बिस्किट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहे तो एक ही बिस्किट से सारे बना सकते हैं, ये अलग 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 फ्लेवर्स के बिस्किट इसमें डाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बिस्किट के ये पैकेट्स को फाड़ कर इसके छोटे छोटे पीसेस करूँगी और एक ग्राइंडर जार में डाल लूँगी। सारे बिस्किट को हम ऐसे ही पीसेस करके ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। ये मैंने सारे बिस्किट को पीसेस करके ग्राइंडर जार में डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध, फिर इसका जग हम ग्राइंडर को लगाकर इसे पेस्ट बना लेंगे अच्छा स्मूथ वाला। तो ये देखिए हमारा अच्छा वाला पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आपको जितने बिस्किट्स का बनाना है सारे बिस्किट्स का पेस्ट बनाकर एक बाउल में रेडी निकाल ले। तो मैंने ये रेडी कर लिया है। बिस्किट्स को ग्राइंड कर इसमें दूध डालकर अब हम इसमें डालेंगे इनो। इनो की 1 पैकेट हमें इसमें डाल देना है। इनो डालकर इनो के ऊपर से हमें थोड़ा सा 1 स्पून दूध डालना है और झटपट इसे मिक्स कर दे जल्दी से। इनो डालने के बाद हमें ज़्यादा देर नहीं करना है, हमें जल्दी जल्दी ये प्रोसेस करना है। तो इसे जल्दी से मिक्स कर ले, अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। सारे बैटर में इनो अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो ये हो गया है अच्छे से मिक्स। अब हम एक रेडी पैन लेंगे, उसमें हम डाल देंगे ये सारा बैटर। अब डालने के बाद इसे 3 से 4 बार अच्छे से टैप कर ले। टैप करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स चॉप किए हुए। आप चाहे तो टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, या फिर आप ये ना डालें तो भी चलेगा, आप स्किप कर सकते हैं। अब इसे हम बेक करेंगे। मैंने इसे बेक करके निकाल लिया है, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बेक हुआ है। आपको मैं बता दूंगी एक बार स्टिक डालकर, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन स्टिक आई है, मतलब ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। तो इसे निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। ये हमारा बढ़िया वाला केक बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसे पलट लेंगे हम, बहुत अच्छा बनता है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में ये केक बनके रेडी हो जाता है। तो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी ये केक बना है, इसे मैं कट करके आपको बताऊंगी। सेम जैसे हम केक बेक करते हैं ना नॉर्मल केक, इसे भी उतना ही टाइम बेक करना है। आप अपनी मर्जी से अवन या कुकर या फिर कढ़ाई में बेक कर सकते हैं। तो इसे मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं ये कितना स्पंजी है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये बनकर रेडी होता है गाइस, बहुत ही आसानी से बनता है। अब ये लॉकडाउन में बहुत बर्थडेज है, हम मिस कर रहे हैं, तो आप ऐसे केक घर पर बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बन भी जाते। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगने लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।